कमलनाथ का पीछे चलना, अरुण अरुण कमलनाथ खुद पीछे चल रहे हैं छिंदवाड़ा से। देखिए किशोर, छिंदवाड़ा से इस तरह की रिपोर्ट थी कि कमलनाथ को उतना पसंद नहीं कर रहे हैं लोग वहां के। उसकी वजह उन लोग बता रहे थे कि वो क्षेत्र में कम आते हैं, अब ज्यादा बाहर रहते हैं, दिल्ली की पॉलिटिक्स ज्यादा करते हैं, भोपाल में ज्यादा आते हैं, इस बात की आशंका थी। और अंदर खाने भी आशंका थी, ये कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। लोग थोड़ी नाराजगी में थे। और इस वक्त जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ इंदिरा भवन की, यहाँ पर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा, ये सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस वक्त रणनीति बना रहे हैं। क्योंकि इस तरह के जो झटके लगते हैं पार्टी को, अगर जो आपके मुख्यमंत्री का फेस हो, अगर वही ट्रेल करने लगे, वही पीछे चलने लगे, तो जो उधर उधर अच्छा रोक रहा हूं आपको, सचिन पायलट भी पीछे चल रहे हैं, नीरज सचिन पायलट भी पीछे चल रहे हैं। देखें बिल्कुल किशोर, यहाँ सचिन पायलट के भी पीछे रहने की खबर आई है, जो हम लोग को रुझान मिला है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री की आवास पे। अब तक सन्नाटा बिल्कुल कायम है। देखिए ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि रिजल्ट अभी पलट सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की आवास के बाहर क्या स्थिति है, ये हमारे कैमरा पर्सन आपको पैन करके और क्लोजिंग करके दिखा रहे हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री का आवास। रोक रहा हूँ नीरज आपको, शालिनी के पास हमारे पास हमारे लिए खबर है। शालिनी, क्या बड़े चेहरों पर क्या खबर आ रही है? 68 वोट से अभी फिलहाल सचिन पायलट पीछे चल रहे हैं। ये मैं अभी अभी आंकड़ा और बढ़ा है क्या, 4,868 वोट का बताया था आपने, अभी तो ट्रेलिंग आ रहा है। हाँ, पीछे चल रहे हैं तो 4,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा तेलंगाना की मैं बात आपको बताने वाली थी किशोर, क्योंकि तेलंगाना में लगातार कांग्रेस आगे चलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वहां पर जो पार्टी के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो एक सीट से पीछे है। दो सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था और शायद यही वजह रही होगी कि एक सीट पर निश्चिंत नहीं रहे होंगे। रेवंत रेड्डी कामा रेड्डी सीट से पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कामा रेड्डी सीट में वो केसीआर के सामने है, केसीआर जो मुख्यमंत्री है उनके सामने वहां पर है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त, सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ है, जहां 47 सीटों पर बीजेपी आगे है। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है उसको पूरा समझने की जरूरत है। यहां पर अगर जिलावार देखें, अभी जो 89 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 47 पर बीजेपी आगे है, 41 पर कांग्रेस आगे है। जिले अगर देखें छत्तीसगढ़ के, सूरजपुर जिले की 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जहां पर पिछली बार ये दोनों सीटें कांग्रेस की थी। कोरबा की 4 में से 2 सीटों के अभी तक रुझान आए हैं। बलौद बाजार के 4 में से 3 सीटों पर रुझान आया बलौदा बाजार के, और वहां पर 3 पर कांग्रेस आगे चल रही है, वो 2 सीटों का फायदा है उसको। लेकिन कांग्रेस को बस्तर में बड़ा नुकसान है, 5 सीटों, जो पिछली बार 5 की 5 सीटें बस्तर जिले की कांग्रेस ने जीती थी, वो उसमें से 3 बीजेपी को और 2 कांग्रेस को जा रही हैं। बिलासपुर में पिछली बार कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी, वो अब 1 पे रह रही है। बेमेतरा में कांग्रेस के पास 3 सीटें थी, अब वो 2 हो गई हैं। इसी तरीके से दंतेवाड़ा और धमतरी में तो बीजेपी की जो 1 सीटें थी वो वही बनी हुई हैं, लेकिन बाकी सारे जिलों में कांग्रेस को नुकसान होता हुआ। दुर्ग में जो पिछली बार 4-1 कांग्रेस के पक्ष में था, वो अभी भी चल रहा है, 5 सीटों के रुझान आए हैं। गरियाबंद में 2 सीटों के रुझान आए हैं, दोनों ही सीटों पर वही है जो पिछली बार था। लेकिन जशपुर में +1 हो रहा है बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए -1 हो रहा है। जशपुर का अभी 1 ही रुझान आया है और वो पिछली बार कांग्रेस की सीट थी, इस बार वो बीजेपी को जा रही है। कबीरधाम जिले में 1 सीट जो कांग्रेस की थी वही बनी हुई है, लेकिन कांकेर में जो 3 सीटें थी कांग्रेस की, उनमें से अब सिर्फ 1 पर ही कांग्रेस आगे है, 2 पर बीजेपी आगे है। और इस वक्त 89 सीटें छत्तीसगढ़ की जो, उनमें 47 पर बीजेपी आगे, 41 पर कांग्रेस आगे। बहुत बड़ा उलट फेर हो जाएगा ये अगर बीजेपी छत्तीसगढ़ जीतती है तो।